लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग होने में अब एक हफ्ते से भी कम दिन बचे हैं और पार्टियों ने लगभग लगभग तैयारियां भी अपनी पूरी ही कर ली हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर पार्टियां जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कई बार जिस मुद्दे को लेकर पार्टी का नजरिया ठीक होता है, उस मुद्दे पर जनता किसी और तरह से सोचती है, जो कि फिर पार्टी के लिए जनता की नजर में नकारात्मक सोच हो जाती है। बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से अलग अलग पार्टियों के मैनिफेस्टो को लेकर। पहले कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसे कई मुद्दे रखे जो जनता और बाकी पार्टियों के लिए बिल्कुल नेगेटिव थे, जिससे देश का भला तो क्या होगा, देशद्रोह को ज्यादा तरजीह मिलेगी। फिर कांग्रेस की न्याय योजना भी सबकी समझ से परे ही है, क्योंकि पता ही नहीं है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कहां से होगी। अगर सैम पित्रोदा की माने तो ये फंडिंग मिडिल क्लास पर टैक्स का अतिरिक्त भार डालकर की जाएगी और इसके लिए मिडिल क्लास को दिल खोलकर तैयार भी रहना चाहिए, जिससे अब मिडिल क्लास तो कांग्रेस के फेवर में वोट करने से पहले एक बार सोचने के लिए जरूर मजबूर हो गई है। कांग्रेस के बाद अब बारी है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जिन्होंने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। समाजवादी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट पिछले 5 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी के विजन से बिल्कुल उलट है। बीजेपी ने सवर्णों को जो 10% आरक्षण देने की बात कही है, वो अखिलेश यादव के गले नहीं उतर रही और उनकी नजर में वो उसका तोड़ ले आए हैं। अखिलेश यादव के विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक अगर उनकी सरकार आती है तो देश के उन 0.1% अमीरों पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा जिनकी संपत्ति 2.5 करोड़ से ज्यादा है, और इसके पीछे तर्क दिया है अमीरों का दिनों दिन अमीर होना और गरीबों का गरीब होते चले जाना। अखिलेश यादव के मुताबिक आज देश में 10% समृद्ध लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है और इन समृद्ध लोगों में सवर्णों की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब कि देश की आधी आबादी के पास देश की कुल आय का 8% धन है, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान है। ये बीजेपी को उसके सवर्णों को 10% आरक्षण देने की पॉलिसी का समाजवादी पार्टी की तरफ से जवाब है कि किस तरीके से वर्तमान सरकार ने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाए हैं, अमीर को अमीर बनाया, गरीब और गरीब होता चला गया, जो खाई है वो बड़ी है, कम नहीं हुई है। और अगर हम खुशहाली चाहते हैं, अगर अर्थव्यवस्था हमारे लिए खुशहाली लाए, अगर हमारे बीच में तरक्की और आगे बढ़ने का रास्ता निकले, तो बिना सामाजिक न्याय के वो रास्ता नहीं निकल सकता है। इसके अलावा अखिलेश ने बीजेपी पर भारतीय सेना को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया और अपने विजन डॉक्यूमेंट में अहीर बख्तरबंद रेजिमेंट और गुजरात इन्फेंट्री की स्थापना की भी मांग की गई है। दृष्टि कहें, हम अपनी कहें, परिकल्पना कहें, हम अपना मैसेज कहें, तो इसीलिए हमने ये भी कहा है इसमें कि बहुत दिनों से मांग थी कि अहीर रेजिमेंट बने, और वही इस डॉक्यूमेंट में जब आप देखेंगे तो गुजरात रेजिमेंट भी बने, ये भी हमने मांग की है। एक समय हमने ये भी मांग की थी कि एक्सप्रेसवे के किनारे कैंटोनमेंट बनना चाहिए, लेकिन कैंटोनमेंट बनाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं कहा। कहा कि हम कैंटोनमेंट बनाने की हमारे पास कोई योजना नहीं है। हम वही अगर ये कहें कि जो बात डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे जो बड़े एग्जिस्टिंग हैं, तो कम से कम हम पत्रकार साथियों से कहेंगे कि ये भी बता दें कि जो आतंकवादी सबसे बड़ा है जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई, आखिरकार किसने छोड़ा और कौन लोग उसको हवाई जहाज में बैठा करके छोड़ के आए थे। फिर सैन्य कर्मियों की पत्नी और उनके परिवारों के लिए राज्य आधारित लोक कल्याण योजना की शुरुआत करने का भी वादा किया। फिर देश में बेरोजगारी पर भी अखिलेश ने गहरी चिंता जताई और जवानों की समस्याओं को बारीकी से समझते हुए रोजगार देने का वादा किया है। जब आंकड़े देश के बेरोजगारी के हम जानना चाहें तो सरकार छिपा रही है। हम वो आंकड़े सरकार से जानना चाहें कि कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, वो आंकड़े सरकार छिपा रही है। कितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, वो आंकड़े छिपा रही है।
तो ये जरूरी बनता है कि कम से कम सब आंकड़े जनता के बीच में जाएं। समाजवादियों की कोशिश होगी कि केवल ये आंकड़े जनता के बीच में न जाएं, इसके साथ साथ हम आबादी में कौन कितना है ये भी कहीं ना कहीं पुराने आंकड़े जो हमेशा वादा किया गया लोकसभा के ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस सभी दलों ने, देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने और नेशनल पार्टियों ने भी हमेशा ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा कि जो ये सेंसस हो रहा है इनके आंकड़े हम सार्वजनिक करेंगे, हम पॉलिसी कैसे बनाएं उसमें इस्तेमाल करेंगे। और सरकार जब ये दावा करे कि जो आंकड़े सरकार के हैं, हालांकि हम उस पर प्रश्न लगाते हैं, लेकिन सरकार ये कहती है कि यही आंकड़े हैं जो वर्ल्ड बैंक एक्सेप्ट करती है, हमारे वही आंकड़े हैं जो IMF एक्सेप्ट करती है, तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर बिना आंकड़े आए हमारे देश की खुशहाली का रास्ता कैसे निकलेगा, बिना सामाजिक न्याय के, बिना सबका साथ सबके विकास के देश खुशहाली के रास्ते में नहीं जा सकता। सरकार कोशिश करती है कि कुछ वादा पूरा कर दें, लेकिन ये पहली सरकार है जो अपने वादे के खिलाफ काम करती है। कहा तो था कि नौकरी देंगे करोड़ों नौजवानों को, वही ऐसे फैसले लिए हैं कि जिससे नौकरियां ही नहीं मिली हैं, रोजगार समाप्त हो गए, पैसे देने की बात थी पैसे छीन लिए। फिर देश में शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए हर एक छात्र को अनिवार्य, निशुल्क और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके, इस पर भी जोर दिया है। हमें अपनी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम और किस तरीके से पढ़ाई हो, शिक्षा कैसी हो, उस पर भी दोबारा सोचना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का मानना है कि बिना प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर किए संभव नहीं है जो हम अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई उस तरह की नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन वो नहीं है जिस तरह की नौकरियां, जिस तरह के रोजगार आज बाजार में हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमें शिक्षा के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और पढ़ाई के साथ साथ हमारा नौजवान न जाने कितना कोचिंग पर पैसा बर्बाद कर देता है, जितनी फीस नहीं देता, फीस से कई गुना ज्यादा वो कोचिंग करते करते अपना पैसा बर्बाद करता है, मां बाप का पैसा बर्बाद करता है, उसके बाद भी नौकरी रोजगार उसके हाथ नहीं आती। किसान भाइयों और युवाओं के लिए विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे और सड़कों के निर्माण का भी वादा किया है। यहाँ अखिलेश लखनऊ मेट्रो की भी बात करना नहीं भूले। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कैसे हो, बड़े बड़े काम जब तक नहीं होंगे, सरकार ये दावा करती है कि हमने एयरपोर्ट बनाए, हमने सड़कें बनाई और एक दिन में इतनी सड़कें बन गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, FDI आया, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर ये सब कुछ होता तो नौकरियां मिलती। समाजवादी लोगों ने कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर पे करके दिखाया, देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे दिया, देश का सबसे बेहतरीन पुलिस रिस्पांस सिस्टम दिया, अपनी बेटियों बहनों के लिए सबसे बेहतरीन 1090 दिया। पर किसानों की समस्या को राष्ट्रीय समस्या मानते हुए किसानों की कर्ज माफी का वादा भी किया। अखिलेश यादव के मुताबिक उनकी सरकार आने पर वो जाति पथ और धर्म को भुलाकर स्वर्णिम क्रांति लेकर आएंगे। गोल्डन रेवोल्यूशन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि किसान खुशहाल तभी होगा जब उसका पूरा का पूरा कर्ज माफ हो जाए। समय समय पर जो जो सरकारें चुनाव में गई उन्होंने वादे किए किसान को और कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन नियम ऐसे बना दिए कि किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए। हम उदाहरण में नहीं जाना चाहते, ना उत्तर प्रदेश के उदाहरण में जाना चाहते हैं, ना मध्य प्रदेश के उदाहरण में, लेकिन किसान का पूरा कर्ज माफ हो इस पक्ष में हम लोग हैं। अखिलेश ने अपना विजन डॉक्यूमेंट तो जारी कर दिया, देश से जुड़ी कई समस्याओं पर प्रकाश भी डाला, लेकिन बीजेपी के सवर्णों को देने वाले 10% आरक्षण में अखिलेश के सवर्णों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने के फैसले पर जनता कैसी प्रतिक्रिया देती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जनता अब समझदार है और अपने हिसाब से, अपने नजरिए से देश से जुड़े मुद्दों को परखना बखूबी जानती है।